यहाँ पर जो दर्शक है वो आप किसके सपोर्ट में आए हैं? अमन के सपोर्ट में आए हैं, अमन के आप किसके सपोर्ट में? अच्छा, जो रेंज के सपोर्ट है उन्होंने एक बिल्डिंग जोड़ी लेकिन पैकेट नहीं दिया। और ये तो बहुत खिलाड़ी और मालिक है। पिछले टूर्नामेंट के एक मात्र खिलाड़ी जिन्होंने शतक मारा था, तो यहाँ पर दो उद्घाटन खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो कुछ टीम देना चाहोगे तो किस तरह शतक मारा था? तो सीधा सा मूल मंत्र दिया है यहाँ पर हर्षप्रीत ने कि बॉल को जितना ज्यादा पुराना करोगे उतना ज्यादा इजी होगा बाद में मारना। बोला हालांकि मैं वो नहीं करता, कोई और करता। और यहाँ पर पहला ओवर लेकर आते हुए बैट बॉल की ओर से नितिन पासा, पहली बॉल बुलडोज जो कि बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, शानदार फील्डिंग यहाँ पर भाटिया के द्वारा। बॉल लेकर तैयार है फिर से नितिन बापना, और यहां पर धाकर का शो शुरू। जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं धाकर, उसी प्रकार का प्रदर्शन आप लोगों के सामने देते हुए यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर या शूटर की ओर से मौजूद हैं। कहते हैं कि और यहाँ पर अक्षय जैन तालू है जो कि पूरे प्रैक्टिस सेशन में नदारद रहे, क्योंकि यहाँ पर पूरे मैदान में सन्नाटा। नितिन बाजवा जिस प्रकार के और अब आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो खिलाड़ी जिनके लिए एक्स्ट्रा दो मंजिल बनाई गई है इस बिल्डिंग की, क्योंकि हर बार पिछली बार दो मंजिला जब थी तो वो उड़ा देते थे बॉल को, लेकिन इस बार बिल्डिंग को ऊंचा करा गया है कि शायद बॉल नहीं घुमाए। ऐसे देवेंद्र पगारिया एक बाएं हाथ से बल्लेबाज के बाउंड होते हुए सीधा बाएं हाथ से लगा रहे। और यहाँ पर नीचे फील्डर, लेकिन बहुत तेज यहाँ पर किसान बाबा अच्छी रनिंग फील्डर में दिखे, लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार के स्वास्थ्य में जान जाते हैं देवेंद्र पगारिया। अपील लेकिन यहाँ पर मना की एक बार भी,
और यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए लाइव साउंड काउंटर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए शानदार वाला वड़ा पाव और पानी पताशी के स्टॉल का आयोजन रखा गया है। ये केवल और केवल संख्या जानने के लिए मात्र केवल ओनली 10 रुपए में आपको काउंटर पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर लेकिन चूके और इसी के साथ टोपी मंगा रहे हैं विप्लव। और यहाँ पर पहला ओवर प्रगति पर है, 13 रन बन चुके हैं अभी तक। बढ़िया बॉल कट किया है, अब रन लेना चाहते थे लेकिन बढ़िया फील्डिंग डॉक्टर संजीव जैन, बहुत तगड़े विकेट कीपर है, तो बना नहीं रह जाते। और इसी के साथ ओवर समाप्ति घोषणा, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 13 रन 1 विकेट के ऊपर। पिछली मैं आप सभी को बताते हूँ जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, यू तो उज्जैन क्या ये तीसरा सीजन प्रगति पर है चल रहा है, पहले सीजन बैड बॉय टीम बैड बॉय, दूसरे सीजन के विनर रहे टीम बैड बॉय और इस बार भी सीजन जीतने की प्रबल दावेदार टीम बैड बॉय। टीम के छोटे लेकिन बहुत तेज खिलाड़ी प्रीत, बढ़िया बॉल किया सत्या सीमा और रेखा के पास में जाता हुआ 4 रन, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर विप्लव राजपुरोहित के द्वारा। पिछले सीजन में सॉलिड एयर के तगड़े खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम को महत्वपूर्ण जिताने के लिए बहुत एफर्ट लगाए। टीम वाटर वॉरियर के कैप्टन और टीम अराइज टाइगर के कैप्टन कृपया यहाँ पर साउंड बॉक्स के पास आ जाए। और यहाँ पर बढ़िया शॉट की कोशिश, यहाँ पर एक चौड़ा सा मिस मैनेजमेंट, बहुत तेज है यहाँ पर चीते की चार पांच की नजर और डॉक्टर संजीव जैन की विकेट कीपिंग को देखकर कोई भी हैरान नहीं है, बहुत तेज होते हैं विकेट कीपिंग। और यहां पर लंबा शॉट खेलने की कोशिश, पूरी तरह से चूके लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर बल्लेबाज, पूरी तरह से रंग में अभी चढ़े नहीं है टीम की बढ़िया गेंदबाजी। और होम बॉल सीधा सीमा रेखा के पास में जाता हुआ और यहां पर मनु बैरागी के द्वारा कैच छोड़ दिया गया, ऐसा के ऐसा सेम कैच पहले मैच में ट्रेविस हेड का छोड़ा था और उसका परिणाम आप सब लोगों के बीच में आया, आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना। तो क्या देवेंद्र पगारिया का कैच छोड़ने के बाद क्या यू तो उज्जैन का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो टूट पाएगा, इसका जवाब आपको देंगे बैट बॉयज के
बूट ऊपर यहाँ पर हमारे जो कैमरा का सेटअप लगा है मिड में इसके पास में काउंटर लगा हुआ है जो व्यवस्था केवल हमारी एक जिंदगी के लिए मात्र केवल ओनली 10 रुपए में आपको बड़ा पाव और 10 रुपए में केवल पानी की राशि का कूपन आपको दिया जा रहा है। जो भी दर्शक इस बढ़िया बहुत अच्छी भीड़ नहीं हो सकती है यहाँ पर शूटिंग सीधा और यहाँ पर देवेंद्र पगारिया अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। खुद का भी दो रन नहीं दौड़ते लेकिन आज उन्होंने पूरी जान लगा दी है इस टीम में अपनी भागीदारी का भाग और एक बार फिर से टीम के कप्तान डॉक्टर संजीव जैन ने भरोसा दिखाया है नितिन बाफना के साथ। दो ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से कोई टॉस बॉल सीधा सीमा लगे मार जाता हुआ वन बाउंस शॉट का शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन विप्लव राजपुरोहित एक ऐसे बल्लेबाज जो अपनी बल्लेबाजी से किसी भी सिचुएशन को अलग तरीके से मोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी भी बड़े बड़े नाम यहाँ पर शाम की तरह से बाकी है अथर्व गौर शुभम जैन देवेंद्र पगारिया विप्लव राजपुरोहित भरत आडवाणी कुणाल परमार विशाल जैन जैनम पटवा हर्षव चुका है विश्रुत और मंदीप जो कि इस मैच में जिस प्रकार का स्कोर हम देखना चाहते हैं। बुलटॉस बॉल छूटी यहाँ पर बहुत ना खुश होंगे यहाँ पर विप्लव एक तरीके से कि गिफ्ट मिला था लेकिन बढ़िया बॉल सम्मान दिया एक अच्छे खिलाड़ी की यही परिभाषा होती है जहां पर बड़ा शॉट मिल जाए उसके बाद आने वाली कुछ बॉल में हम उन्हें सम्मान दें ताकि हमारी लय बरकरार रहे। और यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से चुके विप्लव बहुत अनुभव से भरे हुए हैं लेकिन बापना बड़े बड़े खिलाड़ी छोटे छोटे खिलाड़ी मिड वाले खिलाड़ी कभी प्रशिक्षक रहते हैं ऐसे तरह के खिलाड़ी के पांच 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 नंबर की जबकि पैंट खेलने वाले नितिन बाफना यह बॉल यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हो सकती थी। इस बार चूके मनु वैराजी ने दूसरा बैक टू बैक छोटा छोड़ा चार रन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन विप्लव राजपुरोहित के द्वारा देवी पगारिया साथ दे रहे हैं बॉल की लेकिन यहाँ पर अच्छी एक तरीके से एक मौका था घोषणा 3 ओवर की समाप्ति का 29 रन के स्थान पर क्योंकि वो एक विकेट नहीं है वो एक सत्र है। एक बार फिर से अगले बॉलिंग पावर पर लिया गया है यहाँ पर अपने अगले बॉल
बड़ा पाव और रिफ्रेशमेंट के टोकन आप एक
सेकंड के पास से प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपए का टोकन है। बोल। हाँ हाँ हेलो 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 ये तो कोई रन नहीं। डॉक्टर संजीव जैन काफी सुस्त विकेट कीपर। एक रन से समझौता हेलो भूपेन ठाकुर लेकर आए आईबीएसएल से केविन खगड़िया को। ओ खेल गए चौहान की दिशा में एक रन आदि सुंदर एक रन। हेलो हेलो मनु बैरागी सबसे तेज गेंदबाज हैं टूर्नामेंट के। अच्छी बॉल डाउन दी विकेट आए थे। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में लेकिन बीट हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद खेल गया लॉन्ग की दिशा में शॉट पिच बॉल का एक रन मिलेगा। और देखना कैच होता है कि नहीं।
रिफ्रेशमेंट काउंटर, कैमरा रिफ्रेशमेंट काउंटर है वहाँ का, 10 रुपये का टोकन प्राप्त कर रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। अगले बल्लेबाज विशाल जैन, जर्सी नंबर 16 विशाल जैन है अगले बल्लेबाज। मनु बैरागी विकेट ले चुके हैं यहाँ पर। विशाल जैन की काफी लंबे लंबे छक्के वहां पे हिटर है वहां। अगली बॉल, ओ पूरा खेल दिया, बॉल पॉइंट की दिशा में निखिल बाबरा जी ने ट्वीट करी, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर अभी तक, अच्छा ओवर, एक विकेट आ चुका है। गुड लेंथ बॉल, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, बीट हुए, कोई रन नहीं। लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 6 ओवर। आयुष परियार और सामना करेंगे देवेंद्र पगारिया। Hello,
सुने हैं यहाँ पर बाउंड्री के पीछे जितने भी हमारे दर्शक हमारे भाई लोग खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी पवेलियन जो बनाए वहाँ पर बैठ जाए, टीम डगआउट में बैठ जाए, सहयोग बनाने में कृपया साथ दे दें, सहयोग दे दें, पवेलियन में आ जाए। और यहाँ पर अभी बॉल लेकर तैयार आयुष, बढ़िया बॉल, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे लेकिन फिर भी अच्छा शॉट मिला, बढ़िया फील्डिंग। और यहाँ पर कटिंग, यहाँ पर बढ़िया बॉल बनेगा कि किसी प्रकार से कोई मौका नहीं दे रहे हैं विशाल जैन को लंबा शॉट खेलने के लिए। और बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से चुके विशाल जैन, लंबे हिट मारने के लिए माहिर है लेकिन इस बार पूरी तरह से कब्जा कर रखा है उनकी बल्लेबाजी शैली पर मनु ने। यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों से कि यहाँ पर जो हमारा मेन कैमरा उसके पास में लाइव कूपन काउंटर से स्टार्ट के कूपन मात्र केवल ओनली। और यहाँ पर हवा में शॉट, नीचे खिलाड़ी और छोड़ दिया सहज को धन। बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर छोड़ा, और यहां पर एक और लंबा शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके यहां पर। और यहां पर डॉक्टर संजीव जैन थोड़े से नाराज होते हुए, एक मौका बनता है यहां पर सारे ठीक मारते थे विकेट कर लेके मनु का ध्यान कहीं और था रन बचाने में। विशाल जैन तैयार, अभी बॉल लेकर तैयार मनु, उल्टॉस बॉल को पूरी तरह से मौका बनाने वाला लेकिन दिशा से भटके इसका परिणाम वाइड बॉल एक अतिरिक्त रन। बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखना पड़ेगा इस बात को, बहुत ज्यादा यहाँ पर विशाल जैन एक बस्तूर से तैयार बॉल लेकर तैयार बने। और यहाँ पर बॉल जिस तरफ की बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं उस तरह की बॉलिंग करते हुए यहां पर मनु और सीधा स्टंप में और गोल। और अब आए हैं बैटिंग की कमान संभालने के लिए खुद मालिक भरत आडवाणी और बिट्टू
जो कि बॉलिंग में तो वसीम भाई के नाम से फेमस है, लेकिन बैटिंग करने जब उतरते हैं तो बिल्कुल उससे विपरीत सीधे हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। शानदार अमन शर्मा के मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के साथ जीत हासिल करी है, स्ट्राइकर को हराया और मैच चल रहा है। उल्टा बॉल, अरे रुक 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 जरा, इतना खाई में हेलो तैयार, बैट बॉल का मैच चलता हुआ यहाँ पर। हेलो यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर लाइव काउंटर शुरू हो चुका है। ऑन बॉल सीधा पीछे फील्डर, तो कैच हो रहा है यहाँ पर अक्षय ने, और महत्वपूर्ण कैच पकड़ा और ये कैच ड्रॉप किया। हेलो हेलो मेरा यार, हेलो मेरा यार, हेलो हेलो तरह से डिफेंड किया, संतोष करना पड़ेगा कर दो तो एक मिनट
किताब सीजन थ्री की किताब को जीतने की प्रबल दावेदार थी बैट बॉल बिल्कुल उसके मुताबिक परफॉर्मेंस करती हुई। बता दो कि हमारा लाइव कॉल कॉल काउंटर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसके पास में कूपन दिए जा रहे हैं केवल और केवल हमारी गिनती के लिए वहाँ से केवल उनकी 10 रुपये में वाला था और 10 रुपये में काफी प्रकार की का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। आप कूपन प्राप्त करके हमारे वोट बॉल पूजा सफाई में उठा पाए थे पटवा पहली बार शायद सिंगल के साथ खाता खुला होगा तो हर बार चौका है के साथ भी खुलते हैं। यहाँ पर इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है और बढ़िया बॉल चूंकि को जवाब नहीं दे रहा पटवा के पास इस बॉल का यहाँ पर आयुष में
इस ओवर की समाप्ति और इस इनिंग की समाप्ति के बाद ओपनिंग सेरेमनी है। ओ क्रॉस खेलना चाहते थे, एक और डॉट, ये बॉल महंगी पड़ी थी। इस ओवर के बाद अगले मैच के शुभलाभ नॉयन और मैंड्रेक 11 खेल गए फुल टॉस बॉल। अक्षय फील्डर है, एक रन होगा या तो एक रन। एक ही रन मिलेगा। मैंड्रेक 11 के कप्तान और शुभलाभ नॉयन के कप्तान दोनों मंच के पास आ जाएं। शुभलाभ और मैट्रिक 11 के खिलाड़ी के कप्तान यहाँ पर कमेंट बॉक्स के पास आ जाए। और यहाँ पर बॉल लेकर आते हुए और यहाँ पर ऑन बॉल पीछे खिलाड़ी चार रन के साथ में खत्म किया। सभी का यही सवाल था कि उस खिलाड़ी को क्यों बचा कर रखा। मंदी शानदार चौके के साथ में सारे काम किया और अब मैं हमारे न्यूट ऑफिस जो ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी के लिए हमारे मौजूद सभी फ्रेंचाइजी ऑनर
Thank you.
संजय भाभी हेलो हेलो रौनक देव शाह संजय भाभी एक मिनट इधर बीच में से सब हट जाए आपसे रिक्वेस्ट एम्पायर पीनू बेटा साइड में हो जा दूसरा हम टॉस के लिए हमारे बीच दोनों कप्तान शुभम रघुवंशी और रजनीश अडानी मौजूद है यहां से हमारा हो रहा है और जी भाभी कॉल कौन करेगा आप दोनों से शुभम सर चलिए शुभम सर कॉल करेंगे जिस पे एक लिखा हुआ है वो टेल से और जिस पे अशोक कम का है वो हेड से तो यहाँ पर टॉस चल रहे हैं हमारे पत्थर उदाहरण की मालकिन और साथ में है रौनक शाह हमारे रंगे कलर के मालिक है जिस पे कॉल और ये आया है हेड और हेड जिस पे कॉल और यहाँ पर शुभलाल लॉयर्स ने टॉस जीत लिया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या लेना चाहेंगे आप बॉलिंग लेना पसंद करेंगे कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी बॉलिंग के लिए बड़े बड़े नाम से लबरे टीम है नंदे के लेवल सूरज यादव लोकेश जलानी ऋतिक रोमी ऋषि गटकानी और भी बहुत नाम है जो शायद हम भूल रहे हैं लेकिन उसके सामने मैच में कोई अपनी टीम का एक प्रस्ताव जिससे आप उसको बना थैंक यू सो मच रोम सर आप लोग और लोकेश भाई आप टॉस हारे तो अगर आप उससे बात क्या करते तो एक ऐसा नाम है स्ट्रक्चर मिशन एक स्ट्रक्चर अगर आपकी टीम का कोई है जिससे आप जीत किसी के भी मोल से जीत सकते हैं तो वो क्या होगा बिल्कुल सही जवाब थैंक यू सो मच और यहाँ पर टॉस जीता है शुभ लाभ लायंस ने और पहले थैंक यू सो मच जितने भी गेस्ट खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप थोड़ी पवेलियन के साइड आ जाए ताकि हमारे जो सामने पेट में जो हमारे खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है आपकी ऐसे से बोलना और यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ पहला ओवर लेकर आते हुए आप हर दौर ओपनिंग के लिए आए हैं प्रैक्टिस सेशन के बादशाह हर्ष भाटिया जिन्होंने मैच के दौरान बड़े बड़े बॉलरों को लंबे लंबे छक्के मारकर अपना नाम बढ़ा और साथ में उनके बल्लेबाजी करने आए हैं बैट बॉय के कप्तान डॉक जैन जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा फिफ्टी वो अभी तक मार चुके हैं इतने अनुभवी खिलाड़ी मेरा सभी जैसे रिक्वेस्ट है मेरा यहाँ पर मौजूद सभी जो है रिक्वेस्ट है कि सभी यहाँ पर कैबिनेट में बैठ जाएं स्टॉक मार्केट चिराग पान शान जिनके खड़े रहते ही स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे बैट बॉयज के ओपनिंग के धाकर बल्लेबाज हर्ष भाटिया जिनको देखने के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है और अखर गौर पहला ओवर लेकर आते हुए टीम के लिए और आप लोगों के बीच में ये वाला शो शुरू किया जाना है ओके तो यहाँ पर पकड़ा जाता है पानी रखते हुए पहली बॉल अखर गौर की
और यहाँ पर पूरा सम्मान दिया। यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, जब नया बॉलर आए तो उसको पूरी तरह से सम्मान दो। मैच की तीसरी ही बॉल पर बैट करने का रिकॉर्ड भी हम घाटे के नाम बता हुआ। अभी बॉल डॉक्टर संजीव जैन जी और यहां पर सिंगल चुराना चाहते थे और फाइनल चुरा। हर भाटिया ने इतना तेज होते हुए रिकॉर्ड बनाया, बहुत तेज, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। 25 सेशन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। फेसबुक में एक ग्रुप है 150 सिक्सेस डेली, उसके मेंबर हैं ये। और यहाँ पर हर भाटिया ने डॉक्टर संजीव जैन के रिक्वेस्ट को समझा और बोला दौड़िए नहीं, आप तो दौड़ जाएंगे पर मैं नहीं। और यहाँ पर अपील, हेलो, और यहाँ पर भाटिया ने बहुत तेज मारा है, भाटिया का दौड़ने का रिकॉर्ड बरकरार। और भाटिया बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अपना विकेट का मार्क भी जानते हैं, वे अगर खड़े रहे तो निश्चित रूप से जो टारगेट मिला है वो लगभग लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से उसको अचीव कर लेंगे। ये लाइट की टावर के पास इसके लिए हमारे गेस्ट चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि दूर हो जाए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है
और यहाँ पर बहुत लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग जमाई है यहाँ पर कप्तान भगने खुद को भैया, बहुत उम्दा खिलाड़ी, बहुत उम्दा कप्तान। और यहाँ पर एक बार फिर से, लेकिन वह दिशा से भटके, दिशा पर ध्यान देना होगा जैनम बटवा को, जिसका कोई जवाब नहीं। उज्जैन क्या, एमपी क्या, भारत क्या, विश्व का बच्चा बच्चा जानता है डॉक्टर संजीव जैन को। तीन दिन देखते तो उसका अंजाम होता रहता है, इसीलिए निशान करते हुए। और यहाँ पर परिणाम वो देंगे छक्के के रूप में, और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर संजीव जैन दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 2 रन कम से कम। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए हर्ष भाटिया अपने लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवर में पूरी तरह से पूर्ण खिलाड़ी के रूप में हर्ष भाटिया। और यहाँ पर लंबा शॉट सीधा सीधा रन बाहर आ जाऊंगा। शानदार शॉट, और हर्ष भाटिया का शो चालू। अगर दो और इसी तरह से खेलते रहे तो शायद यहाँ पर एक ही सीट न बचे। बढ़िया शॉट एक बार फिर से, लेकिन बहुत तेज है। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पर डॉक्टर संजीव और हर्ष। 30 नंबर की जर्सी पहन के खेलते हैं हर्ष भाटिया। थोड़ा पलट लीजिए, और यहाँ पर डॉक्टर संजीव जैन आखिरी बॉल पर शानदार छक्का मारकर कॉन्फिडेंस लबरेज। और यहाँ पर बढ़िया बॉल पूरी तरह से चूके, आशा भरी दृष्टि से देखते हुए कि शायद अंपायर का भी वाइड है, लेकिन हमारे अंपायर बहुत अनुभवी, उन्हें पता है कौन सी बॉल वाइड होती है कौन सी। और एक बार फिर से फ्लिक किया है सीधा सीमा रेखा के बाहर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर संजीव जैन, उसी प्रकार के जिस पर जीत अंदाज से खेलते हुए डॉक्टर संजीव जैन अदर गोर जैसे बॉलर को इसे फ्लिक करके मारने के खिलाफ केवल चरण मात्र भारत में 2 लोगों के पास में है। पहले है डॉक्टर संजीव जैन और दूसरे आप सभी जानते होंगे विराट कोहली। बॉल और यहां पर कट किया, और यहां पर एक मौका,
अपील और आउट। बहुत सारे नाखोश यहाँ पर और सारा ग्राउंड खाली होता हुआ, बहुत बड़ा सदमा यहाँ पर दर्शकों के बीच में। कभी कोई भी गलत कदम ना उठाए, अच्छा हो जाता है ऐसा। हमारे वीर जानवरी सुपर किंग के सुपर खिलाड़ी, इसका हम कॉन्टेस्ट भी देने वाले हैं कि चार पांच बार हमें नाम मिलेगा। विश्व सिंह जी विश्व सिंह राठौर, तो छह बार गलत बोलने का सुना उसकी तरफ से। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं पहाटिया के ही सब्स्टिट्यूट, जैसा हर भाग्य खेलते हैं हूबहू परछाई की तरह खेलने वाले हैं सहज गोढ़ा। लेकिन आप सभी को बता दो, जब तक डॉक्टर साहब पिच पर टिके हुए हैं तब तक कोई भी टारगेट खिलाड़ी सात नंबर की जर्सी पहन के गए हैं, कुछ तो गई है कि पोजिशन को फील करते हुए अपनी कॉल लेके तैयार। और यहाँ पर इस बार थोड़ा ज्यादा अंदर बोल गए, आज का परिणाम वाइट है। तीसरा से भुक्के आगे भी जाओ होते ही लगभग सभी तो पीछे रहते हैं। और यहाँ पर बढ़िया, और यहाँ पर विस्तीन और सहज होगा बिल्कुल भाग्य की तरह। डॉक्टर संजीव को विदेश की कीमत जानते हैं वे। जिसका परिणाम दो रन, दो तैयार थे डॉक्टर संजीव जैन। डॉक्टर संजीव जैन को तीन चार लोग बाय बेटा मानते हैं, लेकिन बता दें कि स्पीड पर बेटे के बाय बेटा कितने चुस्त ग्रुप खिलाड़ी हमारे देश डॉक्टर संजीव जैन। यहाँ पर हमारे हिस्ट्री गर्ल्स मौजूद है, मैं उसको बता दूँ कि यहाँ पर हमने आपके लिए लाइव फूड काउंटर की व्यवस्था रखी है। मात्र केवल 10 रुपये में आपके लिए बड़ा पाव और 10 रुपये में बता दी कूपन दिए जा रहे हैं। लेना हो वो हमारे मेन कैमरे के सबसे पास में टिकट काउंटर बना हुआ है ले रहे हैं। एक बार फिर से क्लिक किया है सहज जगह के पास में, एक बार फिर से मौका पर अनाउंस होने का, लेकिन उन्होंने गवाया। और यहाँ पर एक बार फिर से बहुत तेज हवा में जो है बॉल की फील्डिंग का परिणाम मात्र केवल उम्मीद है। Thank you.
फाइनली हमारे बीच में वो कमेंटेटर आ चुका है जिसको सुनने के लिए यहाँ पर सारे हमारे दर्शक बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन मात्र केवल ओनली यूथ ऑफ उज्जैन सीजन 3 में आपको उनको सुनने को मिलेगा केवल और केवल मात्र मात्र फ्री में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सारे कॉमेंट करे मुझे। और यहाँ पर उठा कर मारा है किसी की तरफ देखते काफी धुआंधार बल्लेबाजी सिक्स के साथ आगे किया। अपनी बॉल सोचते हुए कहां पर डालू मैं जिससे रन को रोका जा सके। बॉलर काफी धाकड़ बॉलर है, नाम भी धाकड़ है, धाकड़ बॉलर। कूपन काउंटर से ले लीजिए वड़ा पाव और पानी पताशे स्वादिष्ट 10 रुपए के कूपन में वड़ा पाव और पानी पताशी। अगली बॉल धाकर की, अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बॉल पर धाकर सामने भी जो बैट्समैन है वो भी बहुत ही धाकर बल्लेबाजी कर रहा है। सहज नीमा सॉरी सहज गोल बॉल अगली। डॉक्टर संजीव जी काफी खुश होंगे इस प्रदर्शन से। एक रन के लिए खेल दिया है, दूसरे रन की इच्छा थी डॉक्टर संजीव जयंती पर मना कर दिया बैट्समैन ने। अपनी बॉलिंग से नाखुश है धाकड़।
और यहाँ पर उठा के खेलने की इच्छा थी पर खेल नहीं पाए, पीछे की तरफ बॉल गई है, देखते कितना रन थे। और यहाँ पर चौका कोई रोक नहीं पाया। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बैट्समैन, ये ओवर काफी काफी बड़ा ओवर रहा। जो पिछले ओवर में बैक टू बैक दो सिक्स मार चुके हैं, अपनी बॉलिंग की कमान खुद रखकर भरत एडवाणी जी। और यहाँ पर अपील, और यहाँ पर एम्पायर की इच्छा तो नहीं थी, मैंने इस पर दे दिया आउट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्योंकि शायद खेल ही ऐसा रहे थे कि सभी देखना चाहते थे कि अगली बॉल कैसे होगी। पानी, कोई इनकी टीम को पानी दे, दूसरों को पिला रहे हैं। आउट होते हुए पवेलियन लौटते हुए और आयुष परियार नए बल्लेबाज लंबी कट साथी गए हैं, लंबे लंबे सिक्स मारने में माहिर है आयुष परियार, बिट्टू भैया, भरत एडवाणी, जिन्होंने कमान संभाली थी बॉलिंग की और आते ही जो चाहते थे वो मिला इन्हें, क्योंकि सहज बहुत बल्लेबाज जिन्होंने, और यहां पर टेढ़ी बॉल रिवर्स खेलने की कोशिश की, कीपर के ऊपर से एक रन, पांच ओवर दो गेंद के बाद 52 रन का स्कोर है 10 बॉल का। पूरी पूरी कोशिश की, फिर भी एक रन मिल जाएगा। काफी अच्छा और यहाँ पर भरत एडवाणी का अच्छा कमबैक यहाँ पर, और यहाँ पर हुक आई थी गेंद, और यहाँ पर अपील को लगाते हुए वाइड दिया है एम्पायर ने। और फिर से उन्होंने रिवर्स खेला है और इस बार भी एक रन का संतोष करना पड़ेगा। आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर बॉल को, चार शूटर्स के लिए ये ओवर काफी अच्छा गया हुआ है। एक रन लेते हुए और इसी के साथ 6 ओवर में 57 रन
बैगोज के पानी पताशी और वड़ा पाव के कूपन यहाँ पर मौजूद है। काउंटर से लेकर आप स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। अगला ओवर जेनम पटवा अगले बॉलर काफी तेज बॉलर जिसको यहाँ पर फिर से उठाकर सीधे स्ट्राइक में मारा है और यहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दाखिल की और कोशिश करके नहीं मिलेगा। बहुत ही चुस्त फील्डर है यहाँ पर दाखिल भले ही गेंदबाजी में बिताया हो बाकी बल्लेबाज काफी बड़े हैं। फिर से ये लगता है नागर की परीक्षा ले रहे हैं बैट बॉय। अगली बॉल ये नाम आयुष तैयार को और यहाँ पर स्लो ओवर वन डाली थी और उसे काफी अच्छा चकमा दिया आयुष को। काफी वेरिएशन दिखाते हैं यहाँ पर जेनम पटवा अपनी बॉल में। इसी के साथ अपनी स्टाइल भी चेंज की है इस बार पहले गेंद पीछे से खींच के लाते थे अब आगे से ही डाल दी जेनम पटवा। बॉलिंग तो बॉलिंग अपनी स्टाइल में भी वेरिएशन लाते हैं जेनम पटवा। फिर से उठाने की कोशिश फिर से शॉट वही कलम तीन गोल हिट कराते हुए जेने पटवा इस परिवार को। आगे बढ़कर करने की कोशिश ताकि स्टॉपिंग नहीं होगी फिर से पीछे बैक कर लेगा। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जेनम यहाँ पर और समाप्ति यहाँ पर फिर से बॉलिंग की कमान यहाँ पर भरत एडवाणी खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। पिछले ओवर में इन्होंने एक विकेट लिया था काफी अच्छा ओवर गया था और पानी पताशी और बड़ा पाव के कूपन काउंटर से मिल सकते हैं आप सभी को। तो अभी व्यंजन का लुत्फ उठाए सात ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बैड बॉयज के। भरत एडवाणी कुछ नई रणनीति लाते हुए अपने लिए कुछ सोचते हुए सामना करेंगे डॉक्टर संजीव जैन काफी पुराने खिलाड़ी है और यहाँ पर ऑफ में और बहुत ही अच्छी फील्डिंग इसी के साथ काफी बढ़िया फील्डिंग करते हुए विप्लव यहाँ पर निश्चित अपनी टीम के लिए एक रन बचाया है। फिर से वही बॉल और छोड़ दिया है एम्पायर द्वारा वाइड। नाखुश है भरत एडवाणी इस बॉल से या एम्पायर से समझ में नहीं आ रहा है। अभी बॉल यहाँ
सेम बॉल डालते हुए कतराई भरा एक रन लेते हुए डॉक्टर संजीव जैन अब अपने आयुष पर्याप्त जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं छक्का मारने की पर बॉल बल्ले पर नहीं चढ़ रही है। हो सकता है इस ओवर में बल्ले पर चढ़ जाए। और यहाँ पर देखिए जैसा मैंने कहा था बल्ले पर चढ़ रही है और चौके उन्होंने उतार दिए। भारतीय अडवाणी की बॉल सीमा रेखा के पार उतार दी। काफी देर से वो प्रयास कर रहे थे इस हिट का। और आगे बढ़कर सिद्ध करने की कोशिश कर यहां पर स्टंप पे झुके हैं देवेंद्र कटारिया और काफी बड़ा विकेट झुका है। छब्बीस बॉलों पर 11 रन की आवश्यकता बैट बॉल को जीत के लिए अगली बॉल लेकर आते हुए और यहाँ पर बॉल कर दिए काफी बड़ा बॉल दो बॉलों पर सही है और अपने सिक्स पर तबिया लिया है भरत अडवाणी ने। यहाँ पर आयुष फिर भी चाहते थे छक्का और मारे पर कोई बात नहीं अगले मैच में ये इच्छा जरूर पूरी होगी आयुष की। काफी अच्छे बल्लेबाज लंबे लंबे छक्के मारते हैं लंबे लंबे पैर हैं लंबे लंबे पैरों से पवेलियन की ओर लौटते हुए आयुष परियार अपने दोनों ओवर में एक एक विकेट लेते हुए बड़ा विकेट ये चाहते हैं कि डॉक्टर संजू जैन को आउट करें ताकि मैच को अपनी ग्रिप में ले सके। बहुत ही बढ़िया प्रयत्न किया है और एक रन चुरा लिया। थोड़ी सी मिस्टेक थोड़ी सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है साफ सुथर को। एक एक रन काफी मायने देते हैं साफ सुथर के लिए क्योंकि जितने रन बैट बॉय दौड़ेंगे वो उतने जीत के नजदीक पहुंचेंगे। और चार ओवर में 10 रन की आवश्यकता है बैट बॉय को जीतने के लिए। अगला ओवर चेतन पटवार जिन्होंने पिछला ओवर काफी खूबसूरत निकाला था अलग अलग वेरिएशन से बॉल डालते हुए कभी खींच कर कभी ढीले लेकर और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर काफी बढ़िया बॉल समझ में नहीं आया यहाँ पर कि क्या हुआ बल्लेबाज खुद ही चल कर आते हुए काफी बढ़िया बॉल बॉल हो गए यहाँ पर। अभी भी दिल्ली दूर है बॉल के लिए नए खिलाड़ी मानु बैरागी काफी फास्ट बॉलर है देखते हैं पास पास खेलते हैं या पास पास आउट होते हैं। तेईस बॉलों पर 10 रन की आवश्यकता है यहाँ पर मैच काफी रोमांचक मोड़ पर है विकेट बैक टू बैक खेल रहे हैं बैट बॉल के। और यहाँ पर अगली बॉल उठाकर खेलिए और एक रन मिलेगा ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे डॉक्टर संजीव जो है इस टाइप अपने पास रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बॉलर का फेस को फेस हो कर सके। डॉक्टर संजीव जैन अच्छे अच्छों का इलाज करना जानते हैं। और यहाँ पर बॉल में फूल
लेग की बॉल थी और पूरी तरीके से ठीक हुए। बहुत खूबसूरत बॉल यहाँ पर जेमन पटवा की। और यहाँ पर कुलटास बॉल को कट किया है पीछे की तरफ फील्डर, जो कि गिरकर उन्होंने एक रन बचाया। टाइम आ गई यहाँ पर एक बॉल खाली। टाइम आ गई यहाँ पर उठा कर के लाया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। और यहाँ पर मिस फील्ड और यहाँ पर मिस फील्ड काफी भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर तीसरे रन लेने की कोशिश डॉक्टर संजीव जैन की। और यहाँ पर मिस फील्ड का खाने का एक रन एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो एक रन होता है वो दो रन में तब्दील हो गया। बस यही रन रोकना है चार फिगर्स को। और की समाप्ति यहाँ पर। और की समाप्ति के बाद 73 रन यहाँ पर डेड बॉल का, 5 रनों की आवश्यकता है यहाँ पर जीत के लिए 3 ओवरों में। और फूड के कूपन काउंटर से मिल जाएंगे आप सभी को यहाँ पर पानी पताशी और बड़ा पाव। सॉरी यहाँ पर अभी बॉल छोड़ते हुए पर भाई बाइस पर भी नियंत्रण पाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब से जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता 18 बॉलों में। और यहाँ पर चकमा दिया बैट्समैन को बॉलर ने, मारना लेग में जाते थे गई ऑफ में। यहाँ पर उठाकर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन आसानी से मिलेगा। और यहाँ पर लेफ्ट करना मतलब रनिंग यहाँ पर डॉक्टर संजीव जैन, जिनको रन आउट करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जीत के लिए 2 रन और मुकाबला बराबरी के लिए 1 रन। बॉल जैसे बॉल पर जीत हासिल होती है नहीं। और यहाँ पर उन्होंने मारने की कोशिश की है बट अपील एम्पायर ने नकार दी। यहाँ पर हो सकता है अगली बॉल पर जीत मिले, हो सकता है अगली बॉल पर बराबर मिले। और अगली बैड बॉयज ने अपनी जीत छक्के से सुनिश्चित की है। बैड बॉय जो काफी मजबूत टीम है, वो बहुत ही आसानी से इस मैच को जीतते हुए बैड बॉयज ने ये मुकाबला बहुत ही आसानी से